पोहरी रेस्ट हाउस में भाजपा मंडल की कामकाजी बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्यमंडल से मंडल प्रभारी नरोत्तम रावत, मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमनी उपस्थित रहे। बैठक में सर्वप्रथम मंडल अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने भाजपा के पित पुरुषों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। बैठक में मंडल अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को BLA2 कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निर्देशित किया, साथ ही आजीवन सहयोग नीति को इकट्ठा करने पर जोर दिया। आज भाजपा मंडल की एक बैठक का आयोजन किया गया है, क्या कुछ बैठक का आयोजन? आज भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ बैठक कर रही है, जो मंथ के हर माह में की जाती है उसी बैठक, उसी क्रम में आज शिवपुरी जिले में भी 23 मंडलों में हो रही है, उसी के साथ हमारे पौरी मंडल की भी बैठक आज हमने आयोजित की गई है। इसमें आगामी कार्यक्रमों को लेकर हम अपने शक्ति केंद्र प्रभारियों को और मंडल कार्य समिति के सदस्यों को जिम्मेदारियाँ सौंपेंगे। 26 तारीख को हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात कार्यक्रम है उसको प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं को सुनाया जाएगा, उसको लेकर के ये बैठक आयोजित की जा रही है। और आगामी हमारे संगठन के जो कार्यक्रम जैसे मंडल और बूथ के जो विस्तारक हैं वो जाएंगे, और BLA2 करके कार्यक्रम आया है हमारा, जैसे हमें प्रत्येक बूथ पर हम 8 लोगों की एक टोली बनाएंगे और वो फीडिंग करेंगे ऑनलाइन, जैसे हमारे पारसाल भी BLA1 का कार्यक्रम हुआ था, ऐसे BLA2 की कार्यक्रम होगा, और आगामी और भी हमारे कार्यक्रम है आजीवन सहयोग निधि, उसके निमित्त ये बैठक आयोजित की गई है। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा।